दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में, या आप जो भी बोलते हो क्लास में, हम सीखेंगे कि ऑडियो को और म्यूजिक को काइन मास्टर में किस प्रकार से सिंक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इससे पिछले मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं काइन मास्टर के ऊपर। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वो मेरी पुरानी वाली क्लासेस की वीडियो भी देख लो, जहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया है, जहां मैंने टूल्स के बारे में बताया है, किस प्रकार से आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो, लेयर्स को लगा सकते हो। और वहां मैंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से आप म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो है, यह डिटेल्ड वीडियो है ऑडियो और म्यूजिक दोनों के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम काइन मास्टर में लेयर पर वीडियो को लगा सकते और वीडियो के साथ ऑडियो को लगा सकते हैं। और यदि आपने मेरी एक और वीडियो नहीं देखी, इसे मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप अपनी वॉइस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि दो फोन की जरूरत होगी, जिसमें आप एक ऑडियो को शूट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, और जो दूसरी आपकी जो फोन होगी उसमें आप वीडियो को शूट करोगे। ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको दोनों ऑडियो और वीडियो को सिंक करना होता है। तो उस वक्त जो अभी काम होगा, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे आपको करना है एक ट्यूटोरियल के थ्रू, और आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आएंगी। तो दोस्त, छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो पूरा देखो, और वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कुछ ये समझ में नहीं आती है, तभी आप उस पर मेरे कमेंट बॉक्स में आए कमेंट करना। हो सकता है मैं जो भी कुछ आपके बीच में डाउट हो, मैं आपको कमेंट के थ्रू क्लियर कर दूं, या आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। इतना मैं तो सब्सक्राइबर के लिए कर ही सकता हूँ। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी, हाउ टू एंड स्टाइल से वीडियोज, जहां मैं आपको एप्स, बुक रिव्यू वगैरह देखने दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली अभी मेरे को सीरीज चल रहा है काइन मास्टर के ऊपर, जहाँ हम लोग ट्यूटोरियल्स ला रहे हैं, आपको धीरे धीरे सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं। एडवांस की भी चीजें आएंगी, तो स्टे ट्यून जरूर से रहना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ऐड करना है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ऑडियो में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। काइन मास्टर एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद हम लोगों ने रेशियो को चूज़ कर लिया है 16:9। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपको चूज़ करना है किस प्रकार के वीडियोस के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मीडिया से एक बैकग्राउंड को चूज करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने एक बैकग्राउंड, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, कलर यहाँ से चेंज करके, या रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रेड बैकग्राउंड ले लिया है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऑडियो और म्यूजिक के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि लाइक कट पेस्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शंस खोलने के दौरान हम सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने बैकग्राउंड को ले लिया है, और यहाँ पे हम लोग लेयर्स लेंगे ऑडियो का। सिर्फ मैं आपको ऑडियो के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑडियो को आप ध्यान से देखना, इस सेक्शंस को क्या करना है। देखो, ये है आपका ऑडियो सेक्शंस। यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी ले रहा हूँ। एक म्यूज़िक है, इसमें से देख लेते हैं, एसेट्स म्यूजिक में कोई ऐसा म्यूज़िक है, तो ये भी ओपन हो रहा है। और ये मेरा म्यूज़िक एसेट्स है, जो कि आप डाउनलोड कर पाओगे काइन मास्टर के एसेट स्टोर से। ठीक है, तो अभी इसको लोड हो जाने दीजिए। हाँ, और ये यहाँ पे हो गया लोड। और मैं यहाँ पे करीब 2 या 2.5 मिनट का वीडियो देना चाहूँगा, थोड़ा जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मुझे पहले दिखा था वीडियो, यहाँ पे 3 मिनट का वीडियो मिला, इसको सुनते हैं। चलिए, ये जो म्यूज़िक है यहाँ पे हम लोगों ने इसको ले लिया है। अब हम इसी म्यूज़िक के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा कि इस म्यूज़िक के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। आप जो भी ऑडियो को क्लिक करते हो और रिकॉर्ड करते हो, वीडियो के साथ सिंक कैसे करना है, मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू सिखा दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आपको ग्राफ टाइप का दिख रहा है, जहाँ जहाँ से ग्राफ आपको उभरा हुआ दिखेगा, दैट मीन्स वहाँ पे इसका जो पिच है वो हाई है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी आवाज़ जो है वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है बहुत कम है, लेकिन ये जो यहाँ चीज़ देख सकते हो आप, ये ज़्यादा होती चली गई है। और
मैंने यहाँ पर सिर्फ यहीं तक लिया था इस बैकग्राउंड को, चलिए इसको करीब 1 मिनट तक कर देते हैं। प्रेस एंड होल्ड करना होता है आपको यहाँ से, और आगे की तरफ इसको खींचना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ करीब ले लिया है 1 मिनट 19 सेकंड का ड्यूरेशन। और सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेयर है वो ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर करने का मतलब ये है कि लेयर आपको ऊपर से दिख रहा है। ये आप इसको प्ले करोगे, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा इसको मैं बैकग्राउंड के साथ सिंक कर दूँ, तो बैकग्राउंड के साथ क्या होती है, कुछ ऐसी नॉइज़ वगैरह होता है जो रिड्यूस हो जाता है, और कुछ स्पष्ट चीज़ें ये हमें सुनाई देती है, और वो भी बैकग्राउंड के साथ। यदि आप कोई फुटेज है वीडियो वाली तो वहाँ पे आप चाहते हो कि इस म्यूज़िक को लगाएं, तो उसको भी आप यहाँ से लेयर के थ्रू यहाँ पर ऐड कर पाओगे मीडिया के माध्यम से, ठीक है। उस वीडियो को जो भी आप ऐड करना चाहते हो या जिसके साथ सिंक करना चाहते हो, तो हम लोग इसको चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कर ले, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड में कर लेता हूँ। तो ये हो गया है बैकग्राउंड से। अगर मैं चाहूँ कि इसकी जो आवाज़ है इस पूरे सेक्शन वीडियोस की वो बढ़ा पाए, तो बढ़ाने के लिए आपको यहाँ वॉल्यूम वाले बटन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ आप देख सकते हो ये 100 से 200 तक इसकी ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, और इसकी आवाज़ को आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे कहीं कहीं ऐसी वीडियो ऑडियो की ज़रूरत होती है वीडियो में, जहाँ मुझे ऑडियो की डिमांड कम होती है, मैं यहाँ चाहूँगा कि यहाँ पे ऑडियो कम हो, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम चीज़ों को लगा पाएंगे ऑडियो के, यहाँ से ऑडियो कम करके। अब ये फॉर्मेट क्या है इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारा कंप्रेसर, इसको यदि आप ऑन करते हो तो ये देखो यहाँ पे जब हम कोई चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जब ये ऑन होता है तो यहाँ आप देख सकते हो दो एरो चलता है, जहाँ आपको लिखा है एक एल और एक आर। मैं पॉज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखा था एक था एल और एक था आर, वो आपको तभी दिखेगी जब वीडियो प्ले होता है तब। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर था यहाँ से आप देख सकते हो ये है लेफ्ट यानी एल वाला, और ये है हमारा ये राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला या दूसरा इस चीज़ों को हम बीच में ला करके 0-0 कर देंगे। ये हमारा पिच, पिच से क्या होता है हमारी जो आवाज़ है वो पतला और मोटा हो सकता है, इतना आप समझ लो, इससे ये होता है। यदि आप चाहते हो कि अपनी आवाज़ को मोटा करो या मतलब पतला करो, तो पतला करने के लिए आपको पिच को बढ़ाना होगा ऐसे, और मोटा करने के लिए पिच को घटाना होगा, ठीक है। तो इसके विषय में हम आगे जानेंगे जब मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करूँगा, आपको रिकॉर्ड के थ्रू समझाऊँगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस चीज़ों को हम बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। आइए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्प्लिट एंड ट्रिम। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो वीडियो है यहाँ पे कट करनी है, यहाँ से मुझे 12 सेकेंड पर कट करनी है, यहाँ पे कट लगाना है, या यहाँ मुझे यहाँ से कट करना है, ठीक है। तो मैं इस एरो को, ये जो है ना, ये इसको इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये मार्क हो जाता है, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मार्क हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया, और इस चीज़ पर क्लिक करके और ये जाऊँगा नीचे की तरफ, ये ट्रिम पर क्लिक करूँगा, ये ट्रिम पर क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं ये बीच से क्लिक हो जाए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ों को बाहर लेके चला गया हूँ। ये देखिए इसको हम घसकाते हैं यहाँ पे, इसको ला देते हैं यहाँ, आ गया। अब चीज़ देखते हैं कट हो रहा है क्या नहीं, तो अभी नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ना 10 सेकेंड, इसको आगे बढ़ाएंगे तब हो सकता है ये आपको देखने को मिले, ठीक है। तो कभी कभी आपको नहीं देखने को मिलता है, आप पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ इसके साथ। तो यहाँ से आप चाहो तो इस राइट वाले पार्ट को क्रॉप कर सकते हो, और यहाँ मान लीजिए गलती से क्रॉप हो भी गया है तो यहाँ से आप अनडू कर सकते हो, यहाँ से आप रीडू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल अनडू कर दे रहा हूँ, और ये इधर से आप लेफ्ट वाले को कट कर पाओगे। चलिए इसको भी अनडू कर देते हैं। ये थी आपकी म्यूज़िक वाले सेक्शंस के लिए, और यहाँ पे आप लूप भी लगा सकते हो। लूप का जो है सेक्शंस ये आपको रिपीट करेगा, लास्ट में आपको चीज़ दिखाई देगी। यहाँ से आप देखिए एक्चुअली में वो लूप लगा हुआ था, सॉरी मैं देखिए यहाँ पे ये लूप लगा हुआ था, इसलिए चीज़ें जो है आपको बीच से कट करने की इजाज़त नहीं दे रही थी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देखिए बीच से आप कट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया। आइए यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये देखिए ये क्या है, ऑफिस को समझ लेते हैं। ये हमारा ऑडियो फिल्टर है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मेरा कोई भी ऑडियो फिल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं चाहूँ तो वॉइस चेंजर यहाँ पे जो चिपमंक होता है जो एक पतली सी आवाज़ आती है उसको लगा सकते हैं, या रोबोट टाइप का आवाज़ लगा सकते हैं, या डीप आवाज़ लगा सकते हैं। जब मैं ऑडियो को रिकॉर्ड करूँगा तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। तो
तो आइए ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि मान लीजिए कि मुझे इस ऑडियो को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में चीज़ें आपको स्लो बजे, यानी कि आपको धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे और एक पार्टिकुलर पोजीशन पर आकर के इसकी आवाज़ बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक एनिमेशंस की आपको यहाँ पे साइड में देखने मिला छोटा सा। तो इस पॉइंट पर हम इसको डाउन करें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी आवाज़ है वो थोड़ी डाउन रहे, मतलब करीब 10 से 15% के बीच में रहे। और ये जैसे ही यहाँ से बढ़ता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ से बढ़ने के दौरान मैं चाहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको घसका दे रहा हूँ, इधर खिसका करके, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि इसको यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर दे रहा हूँ 100%। अब आप देख पाओगे कि यहाँ जो है, यहाँ फिर डन कर देते हैं, यहाँ फिर देख पाओगे आप, मैं फिर चलता हूँ वहीं पे, एक छोटा सा ये आपको लाइन दिखेगा इस प्रकार से, और स्लोप की तरफ ऊपर से राइट टू लेफ्ट, यानी दैट्स मीन्स यहाँ से आप, आपकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो आपने देखा, और ये जो आवाज़ फट क्यों रही, क्योंकि मैंने यहाँ से कंप्रेसर्स को ऑन कर रखा है, ठीक है। तो अब ये ऑफ हो गई है, अब इसकी आवाज़ को सुनते हैं। फैंटास्टिक। तो ये आवाज़ देख सकते हैं आप, जैसे ही यहाँ पे आएगा और ये तेज़ आवाज़ हो जाएगी। तो इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। कहीं कहीं आपको जो डायलॉग्स वगैरह होता है या फिल्म वगैरह बना रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ों को म्यूट नहीं करना है, बट मुझे जो है यहाँ पर कम चाहिए। अब यहाँ चाहोगे तो आप यहाँ से भी देखो, मुझे चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कॉन्फिडेंट रहे और फिर इसकी जो आवाज़ है वो स्लो हो जाए। तो कॉन्फिडेंट के लिए यहाँ पे यहाँ फिर से प्लस कहकर हमने क्लिक करेंगे, दैट्स वाई ये जो दो पोजीशन है यहाँ यहाँ जो है स्टेबल हो जाएगा। अब मुझे इसके आगे का जो है करना है, तो मैं फिर से जाऊँगा उसी पे और ऐसे खिसकाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा, मुझे इस पॉइंट पे डाउन करना है, तो मैं यहाँ से फिर नीचे की तरफ खींच दूँगा। तो ये हो गया कुछ चीज़ें। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो यहाँ से वॉयस है ये वर्क कर रहा है कुछ इस टाइप। तो देखा आपने कि यहाँ से यहाँ तक जो आवाज़ थी वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, बट जैसे ही मैंने ये डाउन हुआ ये चीज़ें, वो आवाज़ मेरा धीमा हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो की अवेलेबल होगा, देखिए यहाँ से जो आवाज़ मेरी धीमा होना शुरू हो गई थी। चीज़ों को म्यूट भी कर सकते हैं, यहाँ से खींच करके जीरो कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं यहाँ से वापस, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस आपकी यहाँ से आपके इसको बोलते हैं वॉल्यूम को इनवेलप करने का, ठीक है। और यहाँ थी आप, अब मैं आपको समझाता हूँ अपने ऑडियो के थ्रू कि ऑडियो में आप क्या क्या चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इस चीज़ों को ट्रिम कर सकते हो, जहाँ लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडियो की, तो इसको हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टार्टिंग से जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने स्टार्टिंग का लाइन बोलता हूँ, वो मैं आपको बोल करके बताता हूँ। दोस्तों हमने एक यहाँ पर सेंटेंस को बोला है जो मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, और लगभग मैं इस वीडियो को आप बोल सकते हो प्रमोशंस के थ्रू मैंने बोला। अब इसकी आवाज़ को सुनते हैं, फिर आगे इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं उसको भी हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए एपिसोड में, और आज हम इस एपिसोड में ऑडियो एडिटिंग। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि मैं यहाँ पे माइक का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राफ था वो बहुत ही नीचे था, लेकिन यही जो हम लोग म्यूज़िक का प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई थी। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि मुझे इसके वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको 200+ कर दिया। अब इसकी आवाज़ को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए एपिसोड में, और आज हम इस एपिसोड में ऑडियो एडिटिंग के बारे में सीख रहे हैं, वो भी हिंदी में। तो बस यार ये देखो यार, यहाँ से हम लोगों ने कर दिया इस सभी चीज़ों को यहाँ 200। अगर आपको लगता है कि यहाँ जो हमारा आवाज़ है, जो ऑडियो क्वालिटी वो सफिशियंट नहीं है, तो आप यहाँ से कंप्रेसर्स को ऑन कर लेना, और दैट आप इसकी आवाज़ को सुन पाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाती है।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। बट यहाँ जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी आपको, तो इसके लिए आपको यहाँ से जो 200 उसको 100 करके रखना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था पिछले वाले पॉइंट में कि पिच क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पिच हाई होगा वैसे आपकी आवाज़ में जो है पतलापन की, जो बच्चे की जैसे आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी। आइए मैं इसकी इसको बढ़ाते से मैं ले चलता हूँ 2 पॉइंट पे, ठीक है, प्लस 2 वाले आइकन पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसकी आवाज़ को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो चुकी है, लाइक चिल्ड्रन की आवाज़। और यहाँ मैं अगर आपको एक और पिच बढ़ा दूँ, 3 कर दूँ, तब आप इसकी आवाज़ को सुनिए। और आज हम इस एपिसोड में ऑडियो एडिटिंग के बारे में सीख रहे हैं, वो भी है। अब देखा आपने कि किस प्रकार से इसकी ऑडियो की जो चेंज हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको आवाज़ है जो भारी जैसा दिखे, ठीक है, बुलंद, एक वयस्क मनुष्य के जैसा। तो मैं स्पीच को ले चलता हूँ -2 पे, ठीक है, और आप इसकी आवाज़ को देखना कि मेरी आवाज़ से कितना ये मैच करती है, ठीक है। तो आइए प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। और आज तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसकी जो आवाज़ है थोड़ी भारी हो चुकी है, और यहाँ पे और चाहें तो पिच को घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर सीधे 5, और आप इसकी आवाज़ को सुनते हैं। हम इस एपिसोड में ऑडियो एडिटिंग के बारे में सीख रहे हैं, वो भी हिंदी। तो यदि आपको लगता है कि साहब की आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पिच को हाई लो करके आप इस चीज़ों को चेंज कर पाओगे, तो आइए मैं चीज़ों को नॉर्मल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ नॉर्मल 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिलता है ये, तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बताया था पिछले वाले, आई थिंक इसको नहीं बताया था, वो आगे वाले बताया था। ये ऑडियो फिल्टर है, यहाँ से चाहेंगे तो ये देखिए इसका अगर प्रयोग करेंगे, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये रोबोट टाइप का आपको आवाज़ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए, ये जो आपका आवाज़ है वो डीप मिलेगा। इस टाइप का आपको ऑडियो फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी जरूरत आपको मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। और ये जो चीजें हैं हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसका रिव्यू देख सकते हैं ऐसे सुन करके, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, मैंने नन कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये री रिकॉर्ड है, मतलब मैं चाहता हूँ उसको वापस रिकॉर्ड करूँ, तो यहाँ से मैं री रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लूप लगा सकता हूँ चीज़ों को, तो आपको वापस दोबारा देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बैकग्राउंड लगाऊँ, तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड का प्रयोग कर पाओगे, तो ये बैकग्राउंड में चीज़ें हो जाएंगी। ये कट और स्प्लिट का वही सिस्टम है जो हम लोगों ने ऑडियो में देखा था। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आया। ये वही चीज़ें हैं जो हमें आपको ऑडियो में, सॉरी म्यूजिक में करके दिखाया था। दोस्तों ये थी आज की म्यूज़िक और ऑडियो के ऊपर ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि कोई भी चीज़ छूट जाती है तो मैं आपसे अब दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, और उस चीज़ों को कवर जरूर से करूँगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और आपने सीखा होगा किस प्रकार से आप अपने ऑडियो को अपने वीडियो के साथ सिंक कर सकते हो, कट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि म्यूजिक के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम कुछ एनिमेशन की भी चीज़ें देखें, जो कि आपको वॉल्यूम अप और डाउन का भी ऑप्शन था। तो आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की लगी, कि ये मुझे हमेशा ज़रूरत हो सकता है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर से बताना। यदि आपको कुछ डाउट है तो आपको क्लियर करना है, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट काइन मास्टर के सीरीज के साथ, क्लास के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।